बिहार के बांका जिले में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था। इस मामले में खूब हो हल्ला भी हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर लड़की के पिता ने धरना भी दिया, लेकिन नतीजा लड़की को इंसाफ अब तक नहीं मिला है। और अब इस मामले में चिराग पासवान उसके परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। बता दें कि 8 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करके निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। बच्ची का आंख निकालकर उसे नाले में दफना दिया गया था। इस मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और जमुई के सांसद चिराग पासवान आज बांका जिले पहुंचे, जहां उन्होंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। कहा कि लूट, बलात्कार और हत्या की घटनाएं रोज घट रही है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। मतलब जिस तरीके से इनकी माँ ने, इनके पिताजी ने विवरण दिया, मोबाइल नीचे कीजिएगा, क्या क्या किया, मोबाइल नीचे कीजिए, उसके बाद बच्ची की दुखद मृत्यु के बाद भी जिस तरीके से आंख निकाल ली, मतलब ये सोच के भी रूह कांपती है। पता नहीं वो हैवान दरिंदे किस मिट्टी के बने हुए हैं कि उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। एसपी साहब से मेरी बात हुई इस विषय पर, ये एक ऐसा विषय है जो ना सिर्फ इस जिले का, ना सिर्फ बांका का, ना सिर्फ बिहार का, बल्कि देश भर में इस घटना को लेकर और दोषियों को लेकर वही आक्रोश देखने को मिल रहा है जो निर्भया कांड में देखने को मिला, और लोग वही सजा चाहते हैं और हम लोग भी वही सजा चाहते हैं। भाई ये इस अपराध को माफ किया ही नहीं जा सकता। कड़ी से कड़ी सजा इसमें होना जरूरी है। एक प्रेसिडेंट यहाँ से सेट करना जरूरी है कि भविष्य में कोई गलती से भी इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे सके। उसके लिए हम लोग भी मांग करते हैं। मेरी अभी एसपी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि कुछ दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। मांग करूंगा और आग्रह करूंगा कि पहले तो स्पीडी ट्रायल हो, दोषियों के ऊपर जल्द से जल्द उनको सजा मिले, और ये सजा फांसी से कम की कोई सजा हम लोगों को मंजूर नहीं होगी, किसी को ये सजा उससे कम की मंजूर नहीं होगी। वो आक्रोश है, और ये आक्रोश भैया यहीं पे नहीं है। उस दिन आपने देखा होगा पटना दिल्ली से लोग भाई चल के आ रहे हैं, और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये वही है महिला योगिता जी, जिन्होंने निर्भया कांड में दोषियों को सजा दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। जो मैंने कहा कि देश भर में इस घटना को लेकर आक्रोश है, जरूर मुझे दुख होता है और मुझे शर्म आता है कि भैया इस घटना को लेकर जहां देश विदेश में लोग विचलित हो रहे हैं, वहीं पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं कि भैया वो मिलने दो मिनट। आप मिलने आए तो नहीं यहाँ पर परिवार से, पर कम से कम जब उनके पिता वहां पर गए उनसे तो 2 मिनट आप मिल लेते। भाई जब आप मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये घटना कितनी हृदय विदारक है। सुन के रूह कांपती है, भाई माँ का हाल देखिए, आंसू नहीं रुके हैं, निरंतर ता में रोए जा रही हूँ। उस दिन स्वाभाविक है भाई, जिस बच्ची को 8 साल आपने पाला पोसा पढ़ाया खिलाया और इतनी हसमुख बच्ची, उसके साथ अगर इस तरीके से हो जाए कौन बर्दाश्त कर पाएगा भाई, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे मुख्यमंत्री भी इतने निर्दयी हो गए हैं, उनका भी दिल इतना पत्थर का हो गया है कि एक बाप गुहार लेकर और न्याय की गुहार लेकर, भाई आपसे जमीन जायदाद मांगने थोड़ी कोई जा रहा है, आपसे किसी तरीके की मदद हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग बस इतना बोल रहे हैं कि टाइम बाउंड इसकी जाँच कराई जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। इतना आश्वासन तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं, प्रदेश के गृह मंत्री भी आप हैं, आप ही की ही निगरानी में ये सारी चीजें होनी। और दुख इस बात का है भैया, होली के दिन की घटना है, ऑलरेडी काफी समय इसमें बीत चुका है, अभी भी अगर कार्रवाई तुरंत नहीं हुई तो एविडेंसेस तो इसी तरीके से डिस्ट्रॉय होते रहेंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा, और उसके बाद जब कोर्ट में मैटर जाएगा तो लैक ऑफ एविडेंस में, और यही होता रहा बिहार का इतिहास, यही रहा। दुख इस बात का, कन्विक्शन रेट हमारे प्रदेश में इतना कम है, जहाँ बाकी प्रदेशों में 89-90% है, यहाँ पे मात्र 7% है। मतलब 100 अपराध होते हैं तो 7 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई तो हुई, नहीं तो वो भी छूट। इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से ये आग्रह करूँगा राज्य सरकार से कि भैया इसकी जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जितना समय बीतता है एविडेंस के साथ छेड़छाड़ होती है, एविडेंस के साथ उसको
बर्बाद किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं, उसकी जो जांच हो रही है ये सब। तो हम लोग भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द टाइम बॉन्ड इसकी जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया अनंत काल तक जांच ही चल रही है, कब चार्जशीट फाइल होगी, कब मैटर जाएगा, कब उन लोगों के साथ। निर्भया कांड में हम लोगों ने यही देखा, 7 साल 8 साल सालों साल लग गए दोषियों को सजा मिलने में, और उसके ऊपर दोषियों को जिस तरीके से विकल्प पे विकल्प दिया जा रहा है फांसी की सजा से बचने का। हम लोग चाहते हैं और हम लोग ये मांग करते हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, दोषियों को जितने भी दोषी हैं जिसमें से कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है उनके ऊपर सिर्फ फांसी की ही कार्रवाई की जाए, फांसी की उनको सजा दी जाए, और जब तक फांसी के फंदे पर ये दोषी नहीं झूलेंगे तब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, और मुख्यमंत्री स्वयं इसमें हस्तक्षेप करें। भाई मानवता इंसानियत का भी एक आधार होता है, स्वयं इसमें हस्तक्षेप करें, मॉनिटरिंग करें इसके कि किसी भी तरीके से कहीं पर इस केस में कोई लापरवाही नहीं होगी। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। आना मुझे संभवतः पहले भी था, पर मेरे भी आप सबसे कुछ छुपा नहीं है, मैं भी जिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ।